विधानसभा पहुंचे शिवपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने विधानसभा परिसर में शिवपुर में आई बाढ़ को लेकर अपने कपड़े फाड़ लिए और सरकार से बाढ़ पीड़ितों की मदद की गुहार लगाई। बाबू जंडेल ने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता इस बाढ़ से मर रही है, बच्चों को खाना नसीब नहीं हो रहा, सब परेशान है लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो परेशान है इसलिए कपड़े फाड़ रहा है, ऐसी कहावतें आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन जब विधायक मुद्दों को लेकर सच में कपड़े फाड़ने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थितियां कितनी विषम हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में पहुंचे शिवपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने विधानसभा में बाढ़ को लेकर खुद के कपड़े फाड़े और फटे हाल विधानसभा परिसर में घूमते रहे। उन्होंने सरकार से बाढ़ में आई आपदा को लेकर मदद की गुहार लगाई। बाबू जंडेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं की जा रही, बच्चे महिलाएं किसान सब परेशान हैं, सबके घर उजड़ गए हैं, खेती बर्बाद हो गई है, बच्चा बच्चा खाने को मोहताज हो रहा है, ऐसे में सरकार उनकी मदद करे। गौरतलब है कि बाबू जंडेल 2018 के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले नेता रहे हैं। विधायक जी, कपड़े फाड़ कर क्यों पहुंचे सदन में? शिवपुर विधानसभा से जनता ने मुझे चुना किसके लिए, कि ये भोपाल विधानसभा ये मध्य प्रदेश कानून का मंदिर है, यहाँ से न्याय होता है। इस मंदिर में आया हूँ, मेरे क्षेत्र में आपदा आई है, उसमें लाखों की संख्या में जानवर मर गए, किसान नष्ट हो गए, हमारे मार्केट की दुकानें सब नष्ट हो गई, खेती नष्ट हो गई, हजारों की संख्या में हमारे बुजुर्ग महिला है, गरीब वर्ग है, SC ST है। तो मैंने देखा है कि उस पर अभी चड्डी नहीं है और वहाँ उस क्षेत्र में बाढ़ के बाद में भी रोज़ बारिश आ रही है, अभी बंद होने का काम नहीं कर रही है। पर प्रशासक इतना भ्रष्ट था कि उन्होंने नेट बंद कर दिया और पूरी प्लानिंग के साथ में उन लोगों ने ये आपदा की घड़ी के माए ऑफिस बंद कर दिया। प्रशासक चीज़ की नाम नहीं थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ नौजवान साथियों और हमारे राजस्थान के बॉर्डर के भाइयों को, उन लोगों ने खाना दिया। अभी भी बच्चे चिल्ला रहे हैं, चूल्हा नहीं सरकते, गैस की टंकी बेच चुकी है, तो गैस सिलेंडर का नाम नहीं है देने का, वही 800 में भर रहे हैं पैसे से, किसी के पास एक रुपया नहीं बचा, एक किलो आटा नहीं बचा, वो पैसे कहाँ से लाएंगे। लाइट बिल्कुल लोप है, लाइट पर कोई युद्ध स्तर से काम नहीं हो रहा। जो जानवर मरे हुए वो गड्ढे हुए मकानों की बगल में, अभी तक 8 दिन में चाहती प्रशासक तो उनको गड्ढा खुदवा के केमिकल से नष्ट कर देती, तो बदबू खत्म होती। अनाज की भी यही कंडीशन रोडों पे पड़ा हुआ है, जगह जगह पड़ा हुआ, पर प्रशासक की नाम तो कानून है, जो जनता मांग करती है वो सरकार देती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।